हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं जेबी एडिटिंग चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूं एंड फेस स्मूथ कैसे कर सकते हो, वो भी पिक्सआर्ट ऐप की मदद से, एंड बैकग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हो वन क्लिक में ही। तो बने रहिए मेरे वीडियो पे, वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों, जो फोटो आप एडिट करना चाहते हो उस फोटो को कर लेंगे सेलेक्ट और उस फोटो को हम शेयर करेंगे यहाँ से पिक्सआर्ट लाइटरूम ऐप में पहले। तो यहाँ से जिससे मेरा जो फेस है वो गोरा हो जाएगा, तो यहाँ से मैं इस को शेयर कर लेता हूँ लाइटरूम ऐप में। दोस्तों देख सकते हैं मेरी जो पिक है वो लाइटरूम ऐप में ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से हम आते हैं बैक और यहाँ से ऊपर के लिए स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से अपना जो लाइटरूम ऐप है उसे ओपन कर लेंगे। तो फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से जो है ऑल फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो लाइट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले जो लाइट इसकी एडजस्ट कर लेंगे फोटो की। फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं जो इसकी लाइट वगैरह है उसे एडजस्ट कर लूँगा। फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से लाइट वगैरह एडजस्ट हो चुकी है। तो इस तरह से इतना करने के बाद में यहाँ से हम कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, मिक्स वाले टूल पे आएंगे और यहाँ से जो फर्स्ट वाला टूल है इसकी सैचुरेशन बढ़ा देंगे और यहाँ से सेकंड वाले टूल की सैचुरेशन डाउन कर देंगे एंड लुमिनस को बढ़ा देंगे, इससे मेरा फेस है वो वाइट हो जाएगा। फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसकी सैचुरेशन डाउन कर देंगे एंड जो फोर वाला फाइव वाला जो टूल है इसकी भी सैचुरेशन डाउन कर देंगे, जिससे मेरा बैकग्राउंड ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। तो इतना करने के बाद में यहाँ से अब इस पिक को शेयर करेंगे पिक्सआर्ट ऐप में, जिससे हम इसका फेस है वो स्मूथ कर सके। फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से जो इस पिक को हम शेयर कर लेंगे पिक्सआर्ट ऐप में, जिससे हम फेस को प्रोफेशनल तरीके से स्मार्ट तरीके से जो है स्मूथ कर सके। फाइनली दोस्तों, इतना करने के बाद में यहाँ से मेरी पिक है वो पिक्सआर्ट ऐप में ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ ओपन और यहाँ से कुछ टर्म्स कंडीशन आएगी अलाउ करने के लिए, तो यहाँ से आपको अनुमति दे देंगे। तो यहाँ से मैं अलाउ कर देता हूँ। इतना करने के बाद में यहाँ से जो मेरी पिक है वो ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से ओपन होने के बाद में यहाँ से जो है इस जो फेस है इसको स्मूथ करने के लिए हम पिक्सआर्ट ऐप का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो स्मार्ट स्मूथ है उसे हम करेंगे। दोस्तों, यहाँ से जो है ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको दिख जाएगा कि यहाँ से जो लिखा है ब्लर स्टैम्प क्लिक करेंगे और यहाँ से इसमें आ जाएगा स्मार्ट ब्लर। तो यहाँ से इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है अपने फेस को स्मूथ कर लेना है। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से क्लिक करने के बाद में यहाँ से जो है मेरे फेस को कुछ इस तरह से स्मूथ हो जाएगा। तो इतना करने के बाद में यहाँ से जो है कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ से इरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है अपने फेस को कुछ इस तरह से जो है स्मूथ कर लेंगे और यहाँ से जो इसमें एक्स्ट्रा स्मूथ हुआ है इसको हम रिमूव कर देंगे, जिससे जो फिर जो मुंह पे स्मूथ हो गया, जो आई पे स्मूथ हो गया, उसको हम कर देंगे कुछ इस तरह से रिमूव। तो फाइनली दोस्तों, देख सकते हो यहाँ से जो मैंने कुछ इस तरह से रिमूव कर दिया है और यहाँ से इतना करने के बाद में जो है मेरी पिक कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। तो यहाँ से देख सकते हो इसका बैकग्राउंड चेंज करने के लिए यहाँ से हम इस पिक को सेव कर लेंगे गैलरी में। गैलरी में सेव करने के बाद में इस पिक को हम शेयर करेंगे फोटो रूम ऐप में, जिससे हम बैकग्राउंड को वन क्लिक में ही चेंज कर सकें। तो फाइनली दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इजी स्टेप बता रहा हूँ, जिससे जिन्हें आप फॉलो करके अपनी फ़ोटो को कुछ इस तरह से एडिट कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ से मैं बैकग्राउंड चेंज करने के लिए इस पिक को शेयर करेंगे फोटो रूम ऐप में। तो यहाँ से देख सकते हो मेरी जो पिक है वो कुछ इस तरह से फोटो रूम ऐप में ओपन हो चुकी है। तो यहाँ से मैं इस पिक को कुछ इस तरह से स्कैन होगा और यहाँ से जो आपका बैकग्राउंड है वो कट हो जाएगा। तो यहाँ से देख सकते हो मेरा जो बैकग्राउंड है वो कट हो चुका है और यहाँ से लिखा है ब्लर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो आपका बैकग्राउंड होगा वो भी ब्लर हो जाएगा। अगर आप उसको ब्लर रखना चाहते हो तो उसे ही सेव कर सकते हो, अन्यथा यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है जो फोटो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से पर्सन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लिक करने के बाद में जो है
जो बैकग्राउंड है इस पर हम एक बार टच करेंगे और यहाँ से रिप्लेस लिखा है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो माई फ़ोटो है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है मैंने बैकग्राउंड को जिस तरह से चेंज कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। तो आप भी इस तरह से अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो वन क्लिक में। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।